हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की जो वीडियो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत टाइम से सोच रहा था कि इस तरह की वीडियो जरूर अपने चैनल पर लेके आऊँगा, लेकिन टाइम बिजी होने की वजह से यार ये वीडियो नहीं आ पाई। बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने हुए। वैसे तो आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अगर रोड ने साथ दिया हमारा और ट्रैफिक ने साथ दिया, तो डेफिनेटली आपको आज ऐसा कंटेंट दूंगा जो शायद यूट्यूब पर तो पड़ा होगा लेकिन हमारे चैनल पर पहली ऐसी वीडियो होगी। तो काफ़ी मोटिवेट हूँ भाई इस वीडियो को बनाने के लिए। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ रोड कैसा है। रोड आप देख सकते हो इस तरफ ऐसा रोड है और ट्रैफिक भी काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। आप देख सकते हो उस तरफ से गाड़ी वाड़ी आ रही है, क्योंकि स्पीड में बहुत गाड़ी आ रही है तो इतना कुछ पता लग नहीं रहा है, देख सकते हो आप। तो इसी रोड पर आज हम टेस्ट करेंगे कि क्रेटा की टॉप स्पीड कितनी आ पाती है। तो 6 गियर तक गाड़ी हम लेके जाएंगे और हम पता करेंगे कि भाई क्रेटा कितनी टॉप स्पीड में पहुंच पाती है। वैसे तो मीटर पे 220-240 के आसपास लिखा होता है, भाई कितना दिखाता है, कितना अच्छी तरह वो चीज़ें दिखाता है। तो जी गाड़ी के अंदर आ गए हैं, अब करनी है हमको स्टार्ट और फिर हमको चेक करनी है टॉप स्पीड। तो अब चलते हैं गाड़ी को लेकर और चेक करते हैं इसकी टॉप स्पीड कितनी आती है। थर्ड गियर में है और आप देखते रहना कितनी स्पीड आ पा रही है। मैं तो इतना स्पीड पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, बट क्योंकि मुझे सामने भी देखना है, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये भी 90 और 100 के आसपास अपनी गाड़ी चल रही है। और एक 120 हमने टच कर लिया है अभी, और अभी हमारी 5th गियर में कार है। थोड़ा सा गाड़ी का मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, जंप ज़्यादा है रोड पे इस पर, बट ट्राई कर रहा हूँ कि जितना स्पीड है उतनी हम टच कर लें। 140 के आसपास आ गए हैं और आगे आप देख रहे हो फिर दोबारे से ट्रैफिक। तो लास्ट टाइम मैंने यमुना एक्सप्रेसवे पे चेक किया था, क्योंकि वो जो रोड है काफ़ी अच्छा रोड है कंपेरेटिवली ईस्टर्न पेरिफेरल के, तो वहाँ पर मैंने 160 टच कराई थी गाड़ी, लेकिन यहाँ पर वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा है गाड़ी का। फिर दोबारा से ट्राई करता हूँ। अभी तीसरा गियर डाल दिया है और 4th गियर में गाड़ी अभी, और जो स्पीड आ रही है वो 80 क्रॉस कर ली है। 5th गियर डाल देते हैं, हंड्रेड से ऊपर चल रही है अभी 6th गियर में। अब अपनी गाड़ी 6th गियर में है, अब हम इसकी टॉप स्पीड चेक कर सकते हैं और देखते हैं आपकी कहाँ तक टच करती है गाड़ी। रोड पे थोड़े से जंप है लेकिन तब भी, तो अब धीरे धीरे जो मोमेंट है वो गाड़ी का मोमेंटम बढ़ रहा है गाड़ी का और स्पीड थोड़ी सी आ रही है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ना यहाँ ट्रैफिक की वजह से हम वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। स्पीड जो है, सामने गाड़ी आ गई है, जो स्पीड हम मेंटेन करना चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तब भी फिर दोबारा से गाड़ी का मोमेंटम बन रहा है और आप देख सकते हो जो स्पीड है वो 120 से ऊपर है अभी। देखते हैं कहाँ तक, 160 तक मैंने चलाई है, 160 तक यमुना एक्सप्रेस वे पर था मैं, तब 160 तक मैंने इसको चला दिया था, लेकिन ये थोड़ा सा रोड उतना बेहतर नहीं है, जंप्स ज्यादा हैं इस रोड पे। ट्रैफिक होने के कारण यार वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा है गाड़ी का, जैसे कुछ बनता है तुरंत कुछ ना कुछ चीजें आ जाती हैं। तो
गया डेस्टिनेशन पे तो हम आ गए, लेकिन टॉप स्पीड इसकी चेक नहीं हो पाई, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड चेक करने के लिए ना एक अच्छा हाईवे चाहिए जहाँ पर ट्रैफिक कम हो और रोड काफी अच्छा हो। इस रोड पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना जंप बहुत ज्यादा है, तो जब मैं अपनी स्पीड मेंटेन करता हूँ और ज्यादा स्पीड पे जब जंप पे गाड़ी निकलती है तो गाड़ी एकदम से जंप मारती है, तो उसमें काफी अनकंफर्टेबल मैं हो जाता हूँ। तो अभी के लिए तो हम ये बोल सकते हैं कि यार टॉप स्पीड हम चेक नहीं कर पाए, हमने एफर्ट तो बहुत ज्यादा मारा, 140 और 150 तक हमने इसको चेक किया। तो लास्ट टाइम मैंने यमुना एक्सप्रेसवे पे चेक किया था, और क्योंकि वो रोड जो है ना काफी अच्छा है, काफी मेंटेन रोड है, तो वहां पर हमने 160 टच कराई थी अपनी गाड़ी, पर यहाँ पर वो चीज नहीं हो पाई। बट हमने एफर्ट अपना पूरा मारा, एफर्ट हमने पूरा चेक किया यार, जितना एफर्ट हम मार सकते थे। लेकिन अब हम अगर आगे चले जाएंगे तो यार मुझे बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा, जो मैं चाहता नहीं हूँ। तो अभी हम यहाँ से लेते हैं टर्न, और अभी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि अभी तक जो मैंने अपनी गाड़ी में जो आज चेक की है वो हमारी 150 तक पहुँच गई है। लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली आपको मैं इसकी टॉप स्पीड दिखाऊंगा, एक अच्छे रोड पर जाके डेफिनेटली आपको मैं वीडियो जरूर दिखाऊंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे एफर्ट को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।